السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون محترم سامعين كرام अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र एहसान है कि उसने हमको इस्लाम जैसी अजीम नेमत से सरफराज फरमाया, फिर उसके साथ साथ अपने हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमा कर एहसान अजीम फरमाया। मोहतरम सामईन किराम, आज जो आपके सामने कुछ वाक़ात पेश किए जाएंगे वो मेराज शरीफ के ताल्लुक से है। अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमा रहा है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير। سامعين ये 15वें पारे की पहली आयत है, यहीं से सूरह बनी इसराइल शुरू हो रहा है। वाक़ियात मेराज कुरान करीम और अहादीस से जो साबित हैं उसके मुख्तसर वाक़ियात आपके सामने अर्ज़ करने की सआदत हासिल करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, सुबहान, पाक है, पाकी है, हमारे रब की पाकी है कि वो तमाम अयूब से, तमाम नकाइस से पाक है। सुबहान अल्लज़ी, जिसने असरा बिअब्दिही, ले गया अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लैलन, रात के थोड़े से किसी हिस्से में, लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम से, इलल मस्जिदिल अक्सा, बैतुल मुकद्दस तक। क्यों ले गया? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी निशानियां बताए, ली नूरियहू मिन आयातिना, इन्नहू हुवस समीउल बसीर, बेशक वो सुनने वाला और जानने वाला है। सामईन, वाक़ियात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज शरीफ में जो आपने मुलाहिज़ा फरमाया, मुआयना फरमाया, उसके ताल्लुक़ से चंद वाक़ियात मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले कि ये मेराज शरीफ के ताल्लुक़ से शायर ने जो मंजूम ख़यालात अपने पेश फरमाए हैं वो मैं आपके सामने अर्ज़ करने की सआदत हासिल करूँ, उसके बाद फिर चंद वाक़ियात, और फिर मेराज शरीफ में अल्लाह ने जो ख़ास तोहफ़ा अता फरमाया है उसके ताल्लुक से मैं कुछ आपके सामने अर्ज़ करूँगा। तो आइए पहले मेराज शरीफ के ताल्लुक से जो शायर के ख़यालात हैं मंजूम वो समाअत फरमाएं। इरशाद है, दोनों आलम है नूरुन आला नूर, क्यों कैसी रौनक फ़ज़ा आज की रात है,
ये मसर्रत है किसके मुलाकात की, ईद का दिन या आज की रात है। नूर चोटी को अपने झुकाने लगा, चांदनी चांद हर सू बिछाने लगा। अर्श से फर्श तक जगमगाने लगा, कैसी रौनक फजा आज की रात है। वो हबीबे खुदा सैयदुल मुरसली खातिमुल अंबिया शाह दुनिया व दीन, बज़्मे कौसैन में होंगे मसनद नशीं, जश्न मेराज का आज की रात है। तूर पर फातेला मकानी कहाँ, लन तरानी कहाँ, मर्रानी कहाँ। जिसका साया न हो उसका सानी कहाँ, जिसका एक मौजिज़ा आज की रात है। बाग़-ए-आलम से बादे बहारी चली, सरवरे अंबिया की सवारी चली। ये सवारी सुए दाते बारी चली, अब्र रहमत झुका आज की रात है। और नबियों का ये मर्तबा ही नहीं, अर्श आजम पे कोई गया ही नहीं। ऐसा रुतबा किसी को मिला ही नहीं, जैसा रुतबा तेरा आज की रात है। दोनों आलम है नूर अला नूर क्यों। मोहतरम सामईन, आपने समाअत फरमाया कि शायर का जो तख़य्युल है अपनी बिसात के मुताबिक उसने अच्छे से अच्छा पेश करने की कोशिश की है। बहरहाल ये चंद अशआर थे। अब उसके बाद आइए वाक़ियात मेराज इख्तिसार के साथ। मेरा इतना इल्म नहीं कि मैं आपको सैराब कर सकूं, मुख्तसरन जो मेरे इल्म हैं वो आपके सामने अर्ज़ करने की सआदत हासिल करूं। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 53 साल 3 महीने या 4 महीने की हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर कराने के लिए हज़रत जिब्रील अमी से कहा कि जाओ मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उनको यहाँ ले आओ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील से इरशाद फरमाया कि जिब्रील हूरों गिलमानों से कहो कि वो अपने तय ज़ेब तन अच्छे से अच्छे फाखरा लिबास में मलबूस हो जाएं, और रिजवान से कहो को जन्नत को आरास्ता वो पैरास्ता कर दें, और मालिक को यानि दोज़ख़ के दारोगा को
कहो कि वो जहन्नम की आग आज के हद तक बुझा दें। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम दोनों नबी मुकर्रम रसूल अकरम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बुराक लेकर पहुँचे। आप इरशाद फरमाते हैं कि मैं हतीम में सो रहा था, और एक रिवायत में यह है कि उम्मे हानी के घर में सो रहा था, दोनों ने आकर मुझे जगाया। फिर मेरे सीने को चाक किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को चाक किया गया। फिर उसको सोने के तश्त में रखकर जमजम से धोया गया, फिर उसको दोबारा सी दिया गया। वैसे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को ये चौथी मर्तबा चाक किया गया, और वाक़यात दूसरे अलग हैं वो क्यों किया गया, लेकिन इस वक्त सिर्फ मेराज के ताल्लुक से ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला की नूर की तजल्लियात को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखी गई, कुव्वत रखी गई। बहरहाल जब फिर आपको जमजम के पास लाया गया, वज़ू करवाया गया, दो रकात पढ़ने के बाद वहाँ से जिब्रील और मीकाईल 70,000 फरिश्तों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पेश किया गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पेश किया गया तो बुराक कूदने फांदने लगा, तो हज़रत जिब्रील ने फरमाया कि ए बुराक, तू जानता नहीं ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बुराक ने कहा कि ए जिब्रील अमीन, मैं जानता हूँ ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मेरी एक इल्तिजा है, एक मेरी गुजारिश है, एक मेरी रिक्वेस्ट है। तो वो क्या है? तो वो ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे अलावा बहुत से बुराक पैदा फरमाए हैं, लेकिन मुझे मुंतखब फरमाया गया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं जिस तरह आज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज यहाँ मस्जिद अक्सा से ले जा रहा हूँ, ऐसे आखिरत में भी ये काम मुझे मिले, ये मेरी इल्तिजा है, ये गुजारिश है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा फरमाया, ठीक है। फिर आप उस बुराक पर तशरीफ़ फरमा हुए और चलने लगे अब मस्जिद अक्सास की तरफ। मस्जिदुल हराम से कहा जाता है कि मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा की मसाफत 40 दिन की मसाफत, मुख्तलिफ़ रिवायतें हैं। तो बहरहाल एक लम्हे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे हैं। रास्ते में आपने देखा एक जमात को, एक मकाम पर हज़रत जिब्रील ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप यहाँ रुकिए और दो रकात नमाज़ पढ़िए। ये मकाम तूर सीना है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से यहाँ बातचीत की है। आपने वहाँ दो रकात नमाज अदा की, फिर आगे चले। फिर हज़रत जिब्रील अमीन ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ भी दो रकात आप नमाज पढ़िए, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ भी दो रकात पढ़े, फिर उसके बाद आगे बढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आगे बढ़ा तो फिर पहले आसमान पर आप तशरीफ़ ले गए, तो वहाँ हज़रत जिब्रील अमीन से फरिश्तों ने पूछा, आपने दस्तक दी वहाँ दरवाज़े पर पहले आसमान के, तो कहा गया कि कौन है? कहा मैं जिब्रील हूँ और साथ मेरे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर फरिश्तों ने दरवाज़ा खोला, आप अंदर तशरीफ़ ले गए, तो वहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर आप सल्लल्लाहु, उन्होंने कहा या नबी अस्सालिह, या अखी अस्सालिह, मरहबम बिक। उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, पहले आसमान, फिर दूसरे आसमान, और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम से मुलाकातें होती रही।
हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से, चौथे आसमान पर, पांचवें, छठे आसमान पर, फिर सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, और फिर वहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जन्नत और दोज़ख़ की सैर कराया। तो आपने देखा लबे दरिया गए तो देखा कि एक जमात है, एक ग्रोह को देखा आपने लोगों की, कि वो ज़मीन में दाना बोते हैं, जब ही खेती उनकी तैयार हो जाती है और जब ही वो फसल काट लेते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अमीन से पूछा कि ऐ जिब्रील, ये कौन लोग हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जिब्रील ने फरमाया, अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह के खातिर दीन के काम किया करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यूँ उनकी मिसाल दिया है कि वो उनको नेकियाँ इस तरह मिलती हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े तो देखा कि एक जमात को के फरिश्ते एक शख्स के सर पर, एक जमात को देखा कि उसमें एक उसको पत्थर सर पे मारते हैं तो वो पत्थर दूर जा गिरता है, और वो पत्थर की मार की वजह से इस शख्स का सर चुकना चूर हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। फिर वो फरिश्ते वहाँ जाते हैं, पत्थर लाते हैं, लाने तक इसका फिर ये सर जों का तू जैसे का वैसा फिर जुड़ जाता है, सही हो जाता है, फिर मारते हैं। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ जिब्रील, ये कौन लोग हैं? तो हज़रत जिब्रील अमी ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो नमाज वक्त पर अदा नहीं करते, नमाज में सुस्ती करते हैं, तारिकुस्सला हैं, जमात के भी छोड़ने वाले हैं। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आगे बढ़े तो आपने देखा एक जमात को कि उनको आग की सूली पर लटकाया गया है और वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि भाई जिब्रील, ये कौन लोग हैं? तो कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो सरे बाज़ार बैठकर लोगों को बुरे नामों से पुकारते थे, लोगों को हंसाने के खातिर दूसरे लोगों की बेइज्जती किया करते थे, तो उनको ये अज़ाब दिया जाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक जमात को आपने देखा कि उनके सामने तरह तरह की अच्छी से अच्छी नेमतें रखी हुई हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ मुर्दार गोश्त रखा हुआ है, नजीस नापाक। ये लोग अच्छी अच्छी नेमतों को छोड़कर वो नजीस नापाक गोश्त को खा रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि भाई जिब्रील, ये कौन लोग हैं? ये इस तरह क्यों हो रहा है? हज़रत जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मियाँ बीवी, शौहर और बीवी है, इनको अल्लाह तबारक व तआला ने पाक बीवी पाक शौहर अता फरमाया, लेकिन वो अल्लाह की इस नेमत को छोड़कर बुरी हराम कारी में, जिना कारी में मुब्तला हैं, अच्छी नेमत को छोड़कर ये नजीस और नापाक चीज़ की तरफ लपक रहे हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जमात को और देखा कि उनके होंठ आग की कैंची से काटे जा रहे हैं, वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि भाई जिब्रील, ये कौन लोग हैं? इनको इस तरह क्यों किया जा रहा है? तो आपको हज़रत जिब्रील अमीन ने बतलाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो दुनिया में लोगों को नसीहत किया करते थे, वाज़ किया करते थे, लेकिन अपने आप को ख़ुद वो नेक आमाल में, नेक आमाल करने के लिए पसो पेश करते थे, और बादशाहों अमीरों को खुश करने के लिए लोगों की झूठी बातें उन तक पहुंचाया करते थे, इसलिए इनको ये अज़ाब दिया जाएगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आगे बढ़ा तो देखा कि एक मुर्ग है बड़ा, और वो अल्लाह की तस्बीह हम्द सना बयान करता है। उसकी तस्बीह ये है, सुबहान अल मलिक अल कुद्दूस अल कबीर अल मुतआल ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्यु अल क्यूम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील, ये कैसा मुर्ग है, ये कौन मुर्ग है? हज़रत जिब्रील अमीन ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक फरिश्ता है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने मुर्ग की शक्ल में पैदा फरमाया है, और यह खुदा की हमदो सना बयान करता है। जब रात तिहाई हो जाती है तो ये मुर्ग खुदा की हमदो सना बयान करते हुए अपने परों को झाड़ता है, तो फिर दुनिया में जो मुर्ग हैं उसकी आवाज़ को सुनकर यहाँ के मुर्ग या दुनिया के मुर्ग परों को झाड़ते हैं, बांग देते हैं। फिर आपने वहाँ नेमतों को देखा, उसके बाद फिर अर्श इलाही पर आप तशरीफ़ ले गए। मैं इख्तसार के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ, पूरे वाक़ात में अर्ज़ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इख्तसारन अर्ज़ कर रहा हूँ। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के पास आप तशरीफ़ ले गए, तो उलमाए किराम ने लिखा है कि अल्लाह की तरफ से एक मकाम आया कि आप बुराक पर थे, सिदरतुल मुंतहा तक जब पहुँचे तो हज़रत जिब्रील अमीन ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप यहाँ से आप तशरीफ़ ले जाएं, मैं नहीं आ सकता। अगर मैं इस मकाम से एक बाल बराबर भी आगे बढ़ता हूँ तो अल्लाह तबारक व तआला की तजल्लियात से जलकर खाक हो जाऊँगा, मैं आगे नहीं आ सकता, आपको दूसरे फरिश्ते ले जाएंगे। बहरहाल फिर आपको रफ़रफ़ पर ले जाया गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श आज़म पर तशरीफ़ ले गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ऐ हमारे हबीब, हमारे लिए क्या तोहफ़ा लाए हो? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत्तहियातुल मुबारकातुस सलावातुत तय्यिबातुलिल्लाह, तमाम माली बदनी सारी खूबियाँ सारी इबादतें सब अल्लाह ही के लिए है। तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, सलामती हो आप पर ए नबी और अल्लाह की रहमतें और अल्लाह की बरकतें। तो फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, सलामती हो हम पर और अल्लाह के नेकोकार बंदों पर। तो उलमाए किराम यहाँ एक नुक्ता बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अस्सलामु अलैका, अलैका तुझ पर वाहिद का सिगा है। उसके जवाब में अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया अस्सलामु अलैना, ये जमा का सिगा है। आपने ये इरशाद नहीं फरमाया अस्सलामु अलैया नहीं फरमाया, कायदे के एतबार से तो अस्सलामु अलैया होना था कि सलामती हो मुझ पर, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्सलामु अलैना फरमाया व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, और अल्लाह के नेकोकार बंदों पर। यहाँ हर्फ अत्फ है दो जुमलों को मिलाने के लिए, अरबी का ये कायदा है, हर्फ अत्फ आता है जैसे अंग्रेज़ी में एंड आता है गालिबन, के दो जुमलों को, जैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो दोनों जुमलों को मिलाने के लिए एक बीच में जो एंड है, वैसा ही ये हर्फ अत्फ है, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, सलामती हो हम पर और अल्लाह के नेकोकार बंदों पर। तो यहाँ उलमाए किराम ये नुक्ता बयान फरमाते हैं कि अलैना में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनहगारान उम्मत को अपनी कमली में समेट लिया, अस्सलामु अलैना फरमाया, व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, और अल्लाह के नेकोकार बंदे। तो सलामती बहरहाल अल्लाह की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा, अल्लाह ने आप पर सलामती फरमाया, तो आपने सारी ही उम्मत को सलामती में ले लिया। आगे फिर जो फरिश्ते थे वहाँ, उन्होंने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहा, मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु भी है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी है।
तो बहरहाल ये उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अल्लाह मैं यहाँ से जब जाऊँ तो क्या ले जाऊँ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने 50 वक्त की नमाज और 6 महीनों के रोज़ों का तोहफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। तो आपने जब लेकर वापस हो रहे थे तो हज़रत मूसा ने पूछा कि क्या मिला है, तो कहा 50 वक्त की नमाज और 6 महीने के रोज़े। तो हज़रत मूसा ने कहा ए अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी कमज़ोर उम्मत इतना बोझ उठा न सकेगी, आप अल्लाह के पास तशरीफ़ ले जाइए और फिर उसमें तख़फीफ़ कराइए, कमी कराइए। तो बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार जाते रहे, 9 मरतबा आप तशरीफ़ ले गए। बहरहाल फिर उसको जो है 5 नमाज़ों का मसला रह गया। अल्लाह ने फरमाया कि ए मेरे हबीब, ये 5 वक्त की नमाज और 1 महीने के रोज़े आपकी उम्मत के लिए तोहफ़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा का शुक्र अदा फरमाएं और फिर वो लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफरफ पर तशरीफ़ रखे। फिर वहाँ से फिर सिदरतुल मुंतहा पे बुराक पर आप तशरीफ़ फरमा हुए। फिर जब आप तशरीफ़ लाए यहाँ, तो जिस हुजरे से आप तशरीफ़ ले गए थे आपने देखा कि वो हुजरे की जंजीर हिल रही है, जहाँ वज़ू फरमाए थे आप वहाँ कच्चापन बाकी है और आपका बिस्तर मुबारक गर्म है। तो बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जो तोहफ़ा मिला नमाज का तोहफ़ा, वो तोहफ़ा आसमानों पर बुलाकर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फरमाया। और मेरे भाइयों, आज इतनी बड़ी नेमत से हम कितनी गफलत बरतते हैं, उसके ताल्लुक से और चंद बातें आपके सामने अर्ज़ करके मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूँगा कि नमाज का जो मसला है, अल्लाह ताला ने यह इतना बड़ा इनाम फरमाया है, उसके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है, मन अकामहा फ़कद अकामद्दीन, जिसने उसको कायम किया यानी नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, वमन तरकहा फ़कद हदमद्दीन, और जिसने उसको छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। आइए अब हम देखें कि हमारा क्या मामला है, हम सारी की सारी उम्मत कितने नमाजी हैं। आप जायज़ा लेंगे तो मुश्किल से 5% मुसलमान नमाजी होंगे और उस या 10% होंगे। 10% में भी आप देखेंगे तो 50 किस्म की खराबियां, इख्तलाफात, आपस में मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन, कोई एक जमात का है, कोई एक जमात का है, कोई एक जमात वाला उस जमात को पसंद नहीं करता, ये एक जमात वाला दूसरी जमात को पसंद नहीं करता, और नमाज तो सब पढ़ रहे हैं लेकिन इख्तलाफात इतने हैं। पहले तो नमाज ही अदा नहीं हो रही है, जैसा कि उस ज़माने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में, हयात तो आज भी है लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आसलम आज हम में चलते फिरते नहीं हैं जैसा कि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तय्यबा में थे। तो उस वक्त मुनाफिकीन की भी जुरअत नहीं होती थी कि नमाज को छोड़ दे। आज मुसलमान कितने नमाजी हैं, कैसे नमाजी हैं, ये कोई मोहताज बयान नहीं है बात। नमाज कितनी बड़ी दौलत है जिसके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु मिराजुल मुमिनीन, नमाज ईमान वालों की मिराज है, यानि अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल होता है। कुरान पाक की सूरह अलक की आखिरी आयत का भी ये टुकड़ा है, मैं वो पढ़ूँ तो सब पे सजदा करना लाजिम आ जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ उसका तर्जुमा अर्ज़ कर दूँ कि अल्लाह का इरशाद है कि सजदा कर और करीब हो जा, यानि क़ुरब इलाही हालत सजदा में, नमाज की हालत में, सजदे की हालत में अल्लाह तबारक व तआला का बंदे को बहुत ही क़ुरब हासिल होता है। ऐसी बड़ी नेमत से हम कितने दूर हैं, कैसा माहौल है,
कितनी गंदगियां फैली हुई है उसका अंदाज़ा करना मुश्किल हो गया। मेरे भाइयों, नमाज कोई मामूली दौलत नहीं है। नमाज अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात को नमाज में अल्लाह ने रखा है। मैं आपके सामने अर्ज करूं कि सूरह नूर की आयत है, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, अलम तर अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द वत्तैरु साफात कुल्लुन कद अलिमा सलातहू व तस्बीहा वल्लाहु अलीमुम बिमा यफअलून। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे हबीब, क्या आपने नहीं देखा, अल्लाह वो है बेशक कि उसकी तस्बीह बयान की जाती है सातों ज़मीनों आसमान में, और वत्तैरु साफात, हवा में जो परिंदे उड़ते हैं, ठहरते हैं, बुलंदो बाला होते हैं, वो भी नमाज पढ़ते हैं। कुल्लुन कद अलिमा, हर एक अपनी नमाज को जानता है। कुल्लुन कद अलिमा सलातहू व तस्बीहा, अपनी तस्बीह को, अपनी हमदो सना को, कि खुदा को किस तरह कैसे याद करें, हर एक कायनात का जर्रा जर्रा जानता है। कुल्लुन कद अलिमा सलातहू व तस्बीहा वल्लाहु अलीमुम बिमा यफअलून, और अल्लाह जानता है वो जो कुछ वो करते हैं। आइए आप इस पर नज़र डालें कि हम ये देखते हैं कि चिड़िया चूँ 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 कर रही, चहचहा रही है, तो हम समझते हैं कि यह चूँ चूँ कह रही है, लेकिन वो अल्लाह की हमदो सना बयान कर रही है अपनी ज़बान में, अपनी लैंग्वेज में, अपनी लुगत में, उसको हम नहीं समझ सकते। हाथी चिंघाड़ रहा है तो हम यह समझते हैं कि वो चिंघाड़ रहा है, नहीं, वो खुदा की हमदो सना बयान कर रहा है, वो अपनी ज़बान में खुदा की नमाज पढ़ रहा है। शेर धाड़ता है तो हम यह समझते हैं कि वो धाड़ रहा है, नहीं, वो खुदा की हमदो सना बयान कर रहा है। बकरी म्या म्या करती है तो हम यह समझते हैं कि वो म्या म्या कर रही है, नहीं, बल्कि वो खुदा की हमदो सना बयान कर रही है, नमाज पढ़ रही है, उसकी अपनी नमाज का वही तरीक़ा है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, सूरह बनी इसराइल की ही आयत है, अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, तुसब्बिहु लहुस समावातु सब्उ वल अर्दु व मन फीहिन, सातों ज़मीनों आसमानों में उसकी हमदो सना, उसकी तौसीफ, उसकी तारीफ बयान की जाती है। कोई आगे इरशाद फरमा रहा, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो सातों ज़मीन व आसमान में ऐसी हो जो उसकी हमदो सना बयान न करती हो। व इम्मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझ नहीं सकते, इस वास्ते कि उनकी लैंग्वेज अलग है, तुम्हारी लैंग्वेज अलग है। मेरे भाइयों, ये तो जानवरों की लैंग्वेज हुई, हम इंसान होते हुए इंसान इंसान की लैंग्वेज को नहीं समझ सकता। मिसाल के तौर पर हम यहाँ आंध्र प्रदेश में रहते हैं, यहाँ तेलुगु चलती है, तो तेलुगु वाला अगर मराठवाड़े में चले जाए तो वहाँ मराठी बोली जाती है, तो तेलुगु उन्हें मराठी में कहता है, ये तेलुगु वाला मराठी अल्फाज समझ नहीं सकता। अब वो ये जो है आगे कर्नाटक में चले जाए तो वहाँ कन्नड़ी बोली जाती है, तो वो ये इंसान होते हुए इन्हें तेलुगु जानता है, कन्नड़ी ज़बान को समझ नहीं सकता। इसी तरह गुजरात में चला जाए तो गुजराती ज़बान चलती है, इंसान होते हुए यहाँ का शख्स वहाँ की ज़बान नहीं समझ सकता। अगर जानता हो अलग बात है, लेकिन उमूमी तौर से तो सबको नहीं आती, कोई एकाध जानने वाला हो तो वो जानता है, समझ सकता है। यूरोप चले जाए तो वहाँ अंग्रेज़ी चलती है, तो वो सामने रहते हुए भी अंग्रेज़ी नहीं समझ सकता, क्यों, क्या उसकी ज़बान अलग है। तो अरब में चले जाए तो वहाँ की ज़बान अलग है, वहाँ अरबी बोली जाती है, तो यहाँ का जाने वाला चूँकि अरबी नहीं जानता, तो सामने रहते हुए भी इंसान होने के बावजूद इंसान की ज़बान को, लैंग्वेज को नहीं समझ सकता, तो एक जानवर की लैंग्वेज को क्या समझ सकता। तो अल्लाह यही इरशाद फरमा रहा है, कुल्लुन कद अलिमा सलातहू व तस्बीहा, वो हर एक कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अपनी ज़बान में खुदा की हमदो सना बयान करता है, और हर एक अपनी नमाज से वाकिफ़ है,
अपनी वाकिफियत की बिना पर ही अब उसी तरह वो अल्लाह की इबादत करता है जिसको हम समझ नहीं सकते। जैसे बनी इसराइल की आयत में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम, अरे वो तो मेरी हमदो सना बयान कर रहे हैं, मेरी नमाज अदा कर रहे हैं, लेकिन तुम उनकी नमाज को समझ नहीं सकते। वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम इन्नहु कान हलीमन गफूरा, वो बुर्दबार है, बेशक वो जानता है और बख्शने वाला है। तो मेरे भाइयों, नमाज की अहमियत के ताल्लुक से मैंने अर्ज़ किया, और मैं एक अर्ज़ कर दूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेराज में तशरीफ़ ले गए तो आपने पहले आसमान पर देखा एक जमात को फरिश्तों की कि वो हालत क़याम में हैं, बस जब से पैदा हुए हैं अल्लाह जाने कब तक वो हालत क़याम में ही रहेंगे, खुदा की हमदो सना बयान कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जब दूसरे आसमान पर तशरीफ़ ले गए तो आपने एक जमात को देखा कि वो हालत रुकू में हैं, जब से पैदा हुआ है रुकू की हालत में है, खुदा की हमदो सना बयान कर रहा है और बयान करता ही रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा। तो आपको भी वो बहुत अच्छा मालूम हुआ। फिर आप जब तीसरे आसमान पर तशरीफ़ ले गए तो आपने देखा एक जमात को फरिश्तों की कि वो हालत सजदा में है, और जब से पैदा हुआ है सजदे की ही हालत में खुदा की हमदो सना अल्लाह की तारीफ तकदीस बयान कर रहा है। तो आपको वो भी अच्छा मालूम हुआ। फिर आपने चौथे आसमान पर जब तशरीफ़ ले गए तो देखा कि फरिश्तों की जमात है जो हालत कादा में है, हाल जिसमें अत्तहियात हम पढ़ते हैं कादा, उसकी हालत में है, वो खुदा की हमदो सना बयान कर रहा है। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हमारी नमाज में अल्लाह तबारक व तआला ने क़याम फ़र्ज फरमा दिया, रुकू फ़र्ज फरमा दिया, और कादा फ़र्ज फरमा दिया, सजदे फ़र्ज फरमा दिया। तो आपकी जो ख्वाहिश, आपको जो अच्छा मालूम हुआ, भला मालूम हुआ मेरे आका को, हमारे आका को, अल्लाह ने आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हमारी नमाजों में ये तमाम फरिश्तों की इबादतों को दाखिल फरमा दिया। मेरे भाई, और एक बात अर्ज़ करूँ, हम कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पर अगर नज़र डालेंगे तो हमको नमाज की हालत नज़र आएगी, हम झाड़ों पर नज़र डालेंगे तो हालत क़याम हमको नज़र आएगा, वो क़याम की हालत में है, और हम चौपायों पर नज़र डालेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि ये हालत रुकू में है। अब हम जब हशरातुल अर्ज़ पर नज़र डालेंगे तो हम देखेंगे कि वो हालत सजदा में है, खुदा की हमदो सना बयान कर रहे हैं, उनकी और हालत नहीं है। और हम पहाड़ों को देखेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि ये हालत कादा में है, खुदा की हमदो सना बयान कर रहे हैं। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात की नमाजों को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की नमाज में जमा फरमा दिया। झाड़ों जैसा क़याम भी है हमारी नमाजों में, और पहले आसमान के फरिश्तों का क़याम भी है, दूसरे आसमान के फरिश्तों का रुकू भी है हमारी नमाज में, और दुनिया में चौपायों के रुकू की हालत भी हमारी नमाज में है, तीसरी हशरातुल अर्ज की जो हालत है वो सजदों की हालत, वो हालत सजदा में है, और तीसरे आसमान के फरिश्तों की नमाज को भी अल्लाह ने हमारी नमाज में दाखिल फरमा लिया, और चौथा पहाड़ जो हालत कादा में है यहाँ, और वहाँ चौथे आसमान पर फरिश्ते उस हालत में हैं। बहरहाल कायनात की सारी नमाज को उम्मत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज में अल्लाह ने दाखिल फरमा दिया। ये कितना बड़ा एज़ाज़ है, कैसा बड़ा करम है, उसके करम का कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। बहरहाल मेरे भाइयों, बातें तो बहुत हैं, आप इंशाअल्लाह उलमाए किराम से इसकी तफसीलात समाअत फरमाएंगे। मैं बस और आखिर में एक दो बातें आपके सामने, मेरी ये इल्तिजा है कि हम अपने नौजवान बच्चों की तरफ तवज्जो फरमाएं, खुदा के लिए अपनी औलाद की हिफाजत के लिए उन पर नज़र रखिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ऐसी तौफीक अता फरमाए। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले मुझे, फिर सारे आलम के मुसलमानों को हिदायत अता फरमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला मेरी मग़फ़िरत फरमाएँ,
मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाएँ और हमसे पहले जितने मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन व मुस्लिमात इस आलम से जा चुके हैं, परवरदिगार आलम उन सब की भी मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ या अल्लाह, हम सब के साथ रहम करम फ़ज़ल का, बख्शिश का, मुआफ़ी का मामला फरमा, बख्श दे, माफ़ कर दे, हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे। सारे आलम में अमन व अमान सलामती के फ़ैसले फरमा, आफतों बलाओं मुसीबतों से हिफाजत फरमा। जहाँ कहीं मुसलमान परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बेरोज़गार हैं उनको हलाल की रोज़ी अता फरमा, जो मकरूज़ हैं उनका कर्ज़ अदा फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, सेहत व आफियत अता फरमा। जितने लोग बेकसूर जेलों में बंद हैं सारे आलम में, या अल्लाह उन सबको आज़ादी अता फरमा, उनकी मुसीबतों को दूर फरमा, उनके साथ रहम करम फ़ज़ल का मामला फरमा। जितनी लड़कियाँ और लड़के ऐ अल्लाह शादी के काबिल तो हैं लेकिन असबाब न होने से शादियां रुकी हुई हैं, सारे आलम के मुसलमान बच्चे और बच्चियों की शादियों के अच्छे से अच्छे इंतज़ाम फरमा, हालात बना, असबाब बना और उनकी नेकोकार लोगों के साथ सालिहीन व सालिहात के साथ उनकी शादियां फरमा, उनके रिश्ते फरमा। परवरदिगार आलम जितने बे औलाद लोग हैं मुसलमान उनको साहिब औलाद बना, उनको नेक सालिह औलाद अता फरमा, और जो साहिब औलाद हैं उनकी औलाद को माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक व सलाहियत अता फरमा। परवरदिगार आलम सारे ही मुसलमानों के साथ रहम करम फ़ज़ल का, बख्शिश का, मुआफ़ी का मामला फरमा, बख्श दे, माफ़ कर दे, रहम करम फरमा दे। परवरदिगार आलम हम सारे ही मुसलमानों को नेकियों से मोहब्बत अता फरमा, नेकियां करने की तौफीक व सलाहियत अता फरमा। हम सारे ही मुसलमानों को गुनाहों से नफ़रत अता फरमा, गुनाहों से बचने की तौफीक व सलाहियत अता फरमा। ऐ अल्लाह हलाल की रोज़ी अता फरमा, हराम से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारी दुआओं को अपने फ़ज़ल व करम से अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल में मेरी दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته।